ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों की आय दोगुना करने व जहर मुक्त खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौणी विश्वविद्यालय के सभागार में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर 6 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित शिविर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसानों की आय दोगुना करने व जहर मुक्त खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौणी विश्वविद्यालय के सभागार में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर 6 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित शिविर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि इस शिविर में प्रदेश के जिलों के 1000 से ज्यादा किसान भाग ले रहे हैं। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे कृषि मंत्री मारकंडा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी 9,61,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। वहीं 6 दिनों तक चलने वाले शिविर में पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा किसानों को जहर मुक्त खेती विधि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि इस तरह के शिविर द्वारा 3317 किसानों को 10 जून तक शिक्षित किया जाएगा और ये मास्टर ट्रेनर कृषि विभाग को बागवानी विभाग के माध्यम से अन्य किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करेंगे। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि इस तरह के शिविर द्वारा 3317 किसानों को 10 जुलाई तक शिक्षित किया जाएगा और ये मास्टर ट्रेनर कृषि विभाग और बागवानी विभाग के माध्यम से अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल हमारा टारगेट 50,000 किसानों को खेती के बारे में शिक्षित करना है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के नाम पर इस बार हमारा ये दूसरा शिविर, पहला शिविर पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परम श्रद्धे सुभाष पालेकर जी स्वयं उपस्थित हुए। और इसी साल दूसरा शिविर जो है इसी महीने में 6 दिवसीय शिविर आज नौणी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम शुरू हुआ। 3317 किसानों को जो है 10 जून तक शिक्षित करेंगे और ये मास्टर ट्रेनर गांव में जाकर कृषि विभाग बागवानी विभाग के माध्यम से 18 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हम हर किसान को शिक्षित करना चाहते हैं, उन तक पहुँचना चाहते हैं। ये बदलाव आना चाहिए और हमें पूरी आशा है। हमने पिछले साल जो है सिर्फ मात्र 5,000 किसानों का जो ट्रेनिंग के रखा था, हम 2700 किसानों को ट्रेनिंग दे सके हैं, शिक्षित किया है। इस बार हमारा 50,000 किसानों का जो है टारगेट है कि 50,000 किसानों तक इस बार हम शिक्षित करेंगे और 2022 तक 9,61,000 किसान जो किसान हैं सभी को शिक्षित करना है और जिससे जो है हमारा जो आय बढ़ेगा। सर मेरी प्रॉब्लम ऐसी आती है किसानों को पानी नहीं होता है तो सूखे की वजह से भी दिक्कत आती है, तो क्या प्राकृतिक खेती उस समय टारगेट साबित हो सकती है? उसके लिए हमने अलग से योजनाएं शुरू बनाए हैं, प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सोलर लिफ्ट इरीगेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर 384 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट रखा है। उसमें अगर कम्युनिटी में पानी मांगते हैं किसी किसान को चाहिए 100% सब्सिडी दे रहे हैं। हमने हर खेत को पानी के लिए जो है हमने 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है। हम चाहते हैं कि आपने बिल्कुल प्रश्न ठीक किया है कि हम जब पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो योजनाएं शुरू किया है। जितने भी हमारे कुल बने थे, चाहे वो कृषि विभाग ने बनाए हो, चाहे बागवानी ने बनाए हो, चाहे पंचायतों द्वारा बने हैं, हम उन कुलों को दोबारा से चलाना चाहते हैं, उनके लिए बजट का प्रावधान उन्होंने किया है। देखिए देश के आवश्यकता अनुसार अलग अलग तकनीक विकसित हुए। आज शुरू में तो पारंपरिक कृषि थी जो गोबर खाद के आधारित थे, लेकिन उसमें जब देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, पर्याप्त हमें अन्न धान खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हरित क्रांति को हमने स्वीकार किया। लेकिन हरित क्रांति ने कुछ हद तक तो हमारी समस्या हल किया, लेकिन आज हम लाखों टन दालें आयात कर रहे हैं, लाखों टन खाने का तेल आयात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से विनाश हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन घट रहा है, लोग भाग रहे हैं खेती छोड़कर। तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी रासायनिक कृषि को भी त्यागना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जब विकल्प ढूंढना का वो जैविक कृषि का, जैविक कृषि भी विदेशी है लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उत्पादन घटता गया और लागत का मूल्य बहुत बढ़ता गया, तो किसान ने उसको भी नहीं स्वीकारा। तो अंत में उनको लगा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, इस राज्य के महामहिम राज्यपाल को लगा कि ये बहुत सही है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, मारकंडे जी कृषि मंत्री उनके से बात की, अंत में पूरे राज्य में अभियान अभी चल रहा है और हमारा टारगेट है कि अगले 3 महीने 3 साल में पूरा राज्य इसमें परिवर्तित हो जाएगा।
तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।